हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। एक्सेस में आज के इस वीडियो में क्या खास है, आइए आपको बताता हूं। देखिए, कई बार जब आप एक्सेस जो है चला रहे होते हैं तो उसमें आपको ऑटो नंबर फील्ड लेना होता है, और ऑटो नंबर फील्ड भी इस तरीके से लेना होता है कि उसको हम रीसेट करें, मतलब अपने हिसाब से सेट करें। हम ये चाहते हैं ना कि ऑटो नंबर फील्ड को हम अपने हिसाब से सेट करें, ऐसे में परेशानी होती है। आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आप ब्लैंक डेटाबेस पे आते हैं, जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पे आते हैं तो यहाँ पर सिनेरियो कुछ ऐसा आता है, फिर यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आएगा। अब आपको यहाँ से व्यू पे जाना है और यहाँ पर आप टेबल का नाम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। फिलहाल यही रखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अभी वीडियो लंबी होने नहीं वाली है, छोटी सी वीडियो है। लेकिन इस वीडियो में ये तो क्लियर है कि आपको ऑटो नंबर 100% क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है, गारंटी है। तो चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए आईडी है और आईडी प्राइमरी की है और इसे ऑटो नंबर रखा गया है। आप चाहे तो इसे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, चलिए इस बार है। और अगर मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ एन ए अमी, तो यहाँ पे नेम आएगा और इसका डेटा टाइप होगा शॉर्ट टेक्स्ट, तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट आ गया है। अब यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है, ओके करना है, तो आपको यहाँ आईडी दिखाई दे रही है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर अगर मैं कोई भी नाम एंटर करता हूँ, जैसे यहाँ पे एंटर किया सम्राट, तो ये हो गया सम्राट और यहाँ पे ऑटोमेटिक वन आने लगा, देख रहे हैं। और अगर मैं नीचे चलता हूँ राम लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक टू आ रहा है। लेकिन हम इसे चाहते हैं अपने हिसाब से सेट करना, तो इसके लिए क्या कोई तरीका हो सकता है, क्या वे हो सकता है, आइए देखते हैं। इसको पहले क्लोज करूंगा सेव करके, और यहाँ से हम क्रिएट पे चलेंगे और देन यहाँ से क्वेरी डिजाइन पर, और क्वेरी डिजाइन पे जाके यहाँ से एसक्यूएल पे चले चलेंगे। अब यहाँ पर सेलेक्ट आ रहा है, सेलेक्ट हटा देंगे हम। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं। कुल मिला के बात ये है कि हम इसको अपने हिसाब से सेट करेंगे, क्योंकि ये तो वीडियो इसी के लिए बनी ही है। ये हम ऑटोमेटिक जो है खुद से सेट करें कि यहाँ पर क्या आए, पहले क्या आए, क्योंकि वन आ रहा है लेकिन हम इसको खुद से सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले अल्टर कमांड लिखेंगे, तो ये लिखा अल्टर, और यहाँ पर टेबल लिखना है क्योंकि टेबल को ही अल्टर करना है, और फिर टेबल का नाम जो होगा वो आपको देना है। तो यहाँ पर फिलहाल तो टेबल वन है, तो ये टेबल वन ही रख देते हैं। और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा। और फिर वो कॉलम, तो यहाँ पे लिखा अल्टर और फिर यहाँ पे कॉलम देंगे, COLUMN, तो ये हो गया कॉलम। और फिर हम किसको अल्टर करना चाहते हैं, तो हमारा जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये आईडी है, तो हम आईडी को ही अल्टर करेंगे। तो आई और डी कैपिटल में है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अब हम दे देते हैं आईडी, तो अल्टर कॉलम और अब दे देंगे आईडी। तो यहाँ पे आईडी को भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखिएगा इस तरीके से, और इसको बंद करके, और फिर यहाँ पर लिखना है आपको काउंटर, ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा काउंटर। और हम यहाँ चाहते हैं ना 5.5, अब इसको लिखने से क्या होगा, क्वेरी डिजाइन पे चल के रन कराते हैं। तो यहाँ पर चूंकि टेबल वन पहले से ओपन है, इसको पहले क्लोज करना होगा, देन यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे जाके तब रन कराना होगा। तो ये रन कराया हमने, तो यहाँ पर अब इसको पहले सेव कर लेंगे रन करा करके। तो चलिए क्वेरी वन के ही नाम से हम इसे सेव कर लेते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर, तो जैसे ही चलेंगे ना तो यहाँ पर अब आते हैं। अब यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पे कुंदन टाइप किया हमने, एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए ये 5 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर राकेश टाइप किया तो राकेश, ठीक है, और 5 से लेके 5, अब 5 5 का मतलब गैपिंग करेगा, समझ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेरी में हमने क्या दिया था, ये देखिए ये क्वेरी में हमने दिया था 5.5। यहाँ पर एक न्यू क्वेरी हमें बनानी है, क्या करना है, न्यू क्वेरी। तो यहाँ पे क्रिएट पे चलेंगे और फिर क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और देन फिर एसक्यूएल पे आएंगे। और यहाँ पर फिर वही चीज की अल्टर लिखना है आपको, अल्टर लिखा हमने, और अल्टर लिखने के बाद क्या करना है, वही टेबल का नाम देना है आपको। तो यहाँ पे टेबल और फिर टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है टेबल वन, तो जो टेबल का नाम है वही आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे देना है। तो यहाँ पे TABLE टेबल वन कर दिया, इसको बंद किया, और बंद करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है अल्टर ALTER अल्टर, और फिर यहाँ COLUMN, तो कॉलम हो गया, और कॉलम लिखने के बाद यहाँ पर कर देना है आईडी, ठीक है, आईडी हो गया। अब इसको बंद करेंगे, फिर यहाँ COUNTER काउंटर किया हमने, और अब काउंटर में क्या देंगे, तो कितने कितने की गैपिंग चाहिए, तो अब हम कहेंगे 4 के बाद 5, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के बाद 5 या 6 कर देते हैं या 7 कर देते हैं, तो यहाँ पे 7 कर दिया हमने। और देन अब टर्मिनेट करते हैं और इसको अभी सेव करेंगे, तो यहाँ से इसको सेव करते हैं, तो चलिए क्वेरी 2 के ही नाम से सेव कर देते हैं। और अब इसको रन कराने की बारी है, तो ये रन करा दिया, तो अब तो सेव हो गया है। तो अब यहाँ पर टेबल पे आना है आपको, और अब यहाँ पर एक और नाम लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लोकेश लिखा, तो देखिए 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। फिर यहाँ पर आए
और लोकेश के बाद दूसरा नाम सुमित लिखते हैं, तो एस यू। अब देखिए 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11, 7 की गैपिंग है कि नहीं है, 4 के बाद 7 की गैपिंग होगी तभी तो 11 आएगा, ठीक है, तो यहां पे सुमित कर दिया, फिर 7 की गैपिंग होगी तो 12 13 14 15 16 17 18 आना चाहिए यहां पे। तो देखिए यहां पर अब कुछ लिखते हैं हम, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखता हूं एक नाम विवेक, तो ये लिखा वी, और देखिए फिर 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पूरी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ऑटो नंबर को कैसे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।